बार फिर स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तीसरे ऐसे बच्चों में नहीं बना खतरा। कांग्रेस पर भारी आप फैक्टर, अकाली दल और बसपा की गठबंधन से कांग्रेस में भारी संकट। ब्लैक फंगस की दवा पर टैक्स नहीं, अब ब्लैक फंगस की दवा हुई टैक्स फ्री, साथ ही साथ 5% की दर पर कोरोना वैक्सीन उपलब्ध। पीएम ने दिया वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र। G7 सम्मेलन की बैठक में पीएम मोदी का एक वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र। उत्तर भारत में मॉनसून अलर्ट। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक के बाद कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी दर को ही बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने रेमडेसिविर दवा पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। साथ ही साथ ऑक्सीमीटर, मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर भी जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला बेहद कारगर साबित हो रहा है। ट्रैक टेस्ट एंड ट्रीट के फॉर्मूले से प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन काफी नियंत्रण में है। बीते 24 घंटे की जो सैंपल रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 524 नए केस सामने आए हैं, जबकि 1757 लोग इसके कहर से उभर भी गए हैं। प्रदेश के कुल 75 में से 70 जिलों में कोरोना के 300 से एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। सिर्फ 5 जिलों में ही 300 से अधिक संक्रमित अभी भी हैं। अपराधियों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति पर अब सरकार की नजर है। हिस्ट्री शीटर अपराधियों की सूची बनाकर पुलिस उनके खिलाफ एक्शन लेने में जुट गई है। इसी क्रम में जनपद मैनपुरी के जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह के आदेश पर क्षेत्राधिकारी अमर बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार गौतम ने थाना विछवा में शराब के एक मुकदमे में जेल से निरुद्ध चल रहे थाना घेरोर मुस्लिमीन निवासी अरमान अली पुत्र कौशल अली की करीब 45 लाख की संपत्ति पर बोर्ड लगाकर सरकारी संपत्ति होने की पुष्टि एवं कुर्क करने की कार्रवाई की। इस दौरान तहसीलदार घेरोर नरेंद्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक पहलवान सिंह मौजूद रहे। क्षेत्राधिकारी अमर बहादुर सिंह ने बताया कि थाना घेरोर के मुस्लिमीन निवासी हिस्ट्री शीटर अरमान अली पुत्र कौशल अली के खिलाफ की मुकदमे चल रहे हैं काफी। इसी तरह जो भी अपराधी जिन्होंने अपराध से संपत्ति अर्जित की है सभी की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई जारी रहेगी। थाना भोगांव द्वारा घेरोर के एक बहुत बड़े शराब अपराधी अरमान कौशल, इसके ऊपर 30 बहुत ही संगीन मुकदमे हैं। इन मुकदमों में गैंगस्टर हुआ था, गैंगस्टर के तहत इनकी संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई हो रही है, जिसमें लगभग 45 लाख की संपत्ति इनकी प्रकाश में आई है। माननीय जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय से आदेश हो चुका है, उसी आदेश के क्रम में शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक एस आनंद के द्वारा अपराधों को रोकथाम करने को लेकर चिन्हित किए गए अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित अवैध असलहे बरामद किए हैं। साथ ही अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक महोदय बरेली जोन एवं पुलिस महानिदेशक महोदय बरेली परिक्षेत्र के निर्देश और उनके द्वारा उनके दिशा निर्देशों के क्रम में अवैध असलहों का कारोबार करने वाले, अवैध असले बनाने और बेचने वाले, इनके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में थाना जयतीपुर को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। उनके द्वारा एक अवैध शस्त्र की फैक्ट्री बरामद की गई है और एक अभियुक्त रूम सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इसके पूर्व इसका साथी गिरफ्तार हुआ था, जिसके पूछताछ में यह बात आई थी कि रूम सिंह और वो
साथ में बदायूं में एक जगह असलहे बनाते थे और लगभग एक माह तक वहाँ रुकन के द्वारा असलहे बनाए गए। तो इसी सूचना को डेवलप की गई थी और आज इसकी गिरफ्तारी होने से एक उस क्षेत्र में असलहे का जो कारोबार है उस पर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के निगोही थाना क्षेत्र में देर रात विवाहिता को गोली मारकर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। मृतका के पिता ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप लगाया है। वहीं ससुराल वालों के मुताबिक महिला ने पति से विवाद के बाद खुद को गोली मारी है। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। आजमगढ़ में सैकड़ों की संख्या में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। यहां के शहर कोतवाली के मोहल्ला फराश टोला में स्थित इस देशी शराब के ठेके पर शराब खरीदने वालों की भारी भीड़ जमा हो गई, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि रास्ते पर जाम लग गया और ताज्जुब तो इस बात का है कि ना आबकारी विभाग को खबर लगी और ना ही ठेके से चंद कदम की दूरी पर चौक पर रहने वाली पुलिस को। एक तरफ तो सरकार ने कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए तमाम गाइडलाइन जारी की है, लेकिन सरकार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ जाने वाले शराब के शौकीनों के लिए लगता है कि कोई नियम ही नहीं बना। जिला मैनपुरी ग्राम पंचायतों में बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार देने के लिए सरकार पैसे देती है, लेकिन उस पैसे को रोजगार सेवक द्वारा हड़प लिया जाता है। मामला बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत दौदापुर व कांसेपुर का है, जहां रोजगार सेवक विजय कुमार के द्वारा मनरेगा के तहत मजदूरों के खाते में आने वाले पैसे का गबन करने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। साथ ही ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी को लिखित पत्र के जरिए विमला देवी खंड विकास अधिकारी को संज्ञान में लेते हुए रोजगार सेवक विजय कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। यूपी के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पार्टी के नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना शुरू हो गया है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल यादव ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उनके साथ ही दो दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, यही नहीं 10,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है। वहीं उन्होंने बताया कि 1 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया है, 70 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मैनपुरी पहुंचे। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बिजली अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पावर कॉरपोरेशन का मुख्य स्तंभ उपभोक्ता है, किसी भी उपभोक्ता का उत्पीड़न किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। अगर किसी से भी ऐसी कोई शिकायत सामने आएगी तो पावर कॉरपोरेशन अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई तय है। बता दें कि ऊर्जा मंत्री पूर्वांचल के दौरे के बाद आज मैनपुरी, इटावा और मथुरा के दौरे पर है और कल वो पश्चिम हिमाचल के दौरे पर रहेंगे। सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली, सस्ती बिजली का संकल्प उत्तर प्रदेश सरकार का है और ऊर्जा परिवार का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य उपभोक्ता है। उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किसी भी स्तर पर स्वीकार है, उनकी समस्याओं का अविलंब निस्तारण हो, ट्रांसफॉर्मर समय पर बदले जाए, रोस्टर के अनुसार सबको बिजली मिले, लोड बैलेंसिंग ट्रांसफार्मर की हो जाए, जैसा कि सब पर जो ट्रांसफार्मर है उसके फीडरों के हिसाब से उसका जो लोड है अगर उसमें आवश्यकता। औरैया के इरवा कटरा इलाके में 4 ग्राम पंचायतों में सदस्य पद को लेकर पोलिंग हुई। मतदान के दौरान 1 ग्राम पंचायत के मतदान केंद्र पर दबंगों ने पोलिंग एजेंट के द्वारा गड़बड़ी का विरोध करते हुए मारपीट की। मतदान केंद्र पर मारपीट की जानकारी मिलते ही सीओ बेगुना और थानाध्यक्ष इरवा कटरा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखते ही दबंग मौके से फरार हो गए। इस दौरान पुलिस ने भी कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। यहाँ पर किसी महिला को वोट को लेकर के तो यहाँ पर उनके वो रहते एजेंट, उनके विरोध जताया गया कि इनका वोट पक्की है
लेकिन बाद में उसको चेक करके सही पाया गया, हमने वोट डाला। फिर वो अपने घर से अपने परिवारजन को लेकर के यहाँ पर आई कि मेरी पुलिस को रोका गया और एजेंट से उसकी मारपीट हो गई। लखनऊ से आजमगढ़ होते हुए निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के कार्य की प्रगति का जायजा लेने के लिए औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना पहुंचे। औद्योगिक विकास मंत्री के साथ कई और अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि करीब 90% कार्य पूरा हो चुका है। अधिकारियों व मंत्रियों ने काम की गुणवत्ता से किसी प्रकार के समझौते न करने और जो भी अधूरे काम है उसको जल्द से जल्द पूरा करने को कहा गया है। इस दौरान फ्लाईओवर व मिट्टी को लेकर भी जानकारी दी गई। उम्मीद की जा रही है कि 30 जून से 10 जुलाई के बीच तक काम पूरा होने की उम्मीद है और इसके बाद इस रोड का शुभारंभ किया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अपने निर्धारित समय से काफी पहले पूरा होने का संकल्प माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने आदेश दिया। आज हम इसके इंस्पेक्शन पर हैं। मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस महीने एंड तक जून तक हमारा पूरा कैरेज वे चालू हो जाएगा और हम लखनऊ से लेकर आजमगढ़ तक ये पूरी की पूरी सड़क बन जाएगी। उसमें जो थोड़ा बहुत कठिनाई या थोड़े बहुत काम कोविड की वजह से डिले हुए थे, हम उनको भी हर हालत में जुलाई में। ताजनगरी आगरा के गांव बरौदा सदर में नवनिर्वाचित प्रधान और भाजपा नेता पर गुंडागर्दी करने का आरोप लग रहा है। आरोप है कि ग्राम पंचायत सदस्यों के चुनाव से पहले सदस्य पद के प्रत्याशी के भतीजे धीरू को अवैध तमंचा लेकर जमकर धमकाया गया। प्रधान बनने के बाद श्री ओम गांव में जमकर दबंगई दिखा रहा है। उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में श्री ओम गांव फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर गहनता से जांच शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।